Subscribe to my channel and press on bell icon for more videos. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Redmi 4 या Redmi 4X में फुल स्क्रीन मोड गेस्चर कैसे ऐड करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे में ये ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले हैं ऐड करें। चलिए इसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहां से स्वाइप अप कीजिएगा तो ये होम में आ जाएगा, और फिर स्वाइप लेफ्ट कीजिए या राइट कीजिए तो ये बैक आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्वाइप लेफ्ट या राइट कीजिए तो ये बैक आ जाएगा, और हमको रिसेंट में जाना है तो क्या करेंगे, स्वाइप अप एंड होल्ड करेंगे तो ये रिसेंट में आ जाएगा। और आप सबसे पहले आप देख लीजिएगा मैं अभी रोम किस में, आप देख सकते हैं मैं कोई कस्टम रोम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिशियल रोम है, MIUI 9 ग्लोबल बीटा का है। देख सकते हैं मेरे पास अपडेट भी आया है MIUI 9 से। तो फिर चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से अपने डिवाइस को विदाउट गेस्चर कर देता हूँ जैसे पहले था, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गेस्चर को ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने फ़ोन को रिस्टोर पहले जैसा कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला गेस्चर हटा दिया है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कि ये फीचर, गेस्चर वाला फीचर हमारे फ़ोन में कैसे ऐड होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लाइन ये लाइन अपने build.proof में कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ये वाला फुल लाइन, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये वाला लाइन। या फिर आप चले जाइए सबसे पहले build.proof में जाने के लिए, सबसे पहले क्या कीजिए अपनी इस फाइल एक्सप्लोरर में चले जाइए, और उसके बाद यहाँ से डिवाइस में, और ये आपसे रूट परमिशन मांगेगा, इसको रूट परमिशन दे दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट परमिशन ग्रांट हो चुका है। सिस्टम में जाइए और इसके बाद यहाँ पर build.proof में जाइए, और यहाँ पर एडिट बटन टाइप कीजिए, और उसके बाद सबसे लास्ट लाइन में उसको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद बैक जाइए और इसको सेव कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन को रिबूट कर देना है एक बार। सो फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन अब बूट अप हो चुका है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बूट अप होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ऐसा कुछ फीचर आ जाएगा, ये वाला फीचर आएगा, तो आप सेटिंग में जाकर इसको चेंज कर दीजिए गेस्चर वाला फीचर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले गेस्चर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन गेस्चर पर टैप कीजिए, और उसके बाद ये फीचर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये फीचर आ गया है, आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट या राइट कहीं से भी काम करेगा, या लेफ़्ट राइट से बैक जाएगा, इससे आप यहाँ से आप बैक जा चले जाइए, उसके बाद स्वाइप अप कीजिए तो ये होम आ जाएगा, और स्वाइप अप एंड होल्ड कीजिए तो ये रिसेंट में आ जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।